मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है। फेमस सिंगर निवेर सिंह का सड़क हादसे में निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया में खतरनाक सड़क एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बता दें, निवेर सिंह अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रहते थे। वह कुराली के वार्ड नंबर 7 मास्टर कॉलोनी के निवासी थे। उनकी मौत की खबर सुन इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। 31 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया में हुए सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को दोपहर के करीब 3:30 बजे 3 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हुई जिसमें सिंगर की जान चली गई। 42 साल के सिंगर निर्वेर अपने किसी काम के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनके साथ ये घटना हुई। मेलबर्न में हुए इस भयानक हादसे के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कम्युनिटी के लोग भी सदमे में आ गए हैं। निर्वेर की ऑस्ट्रेलिया में भी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग थी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, साथ ही एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल इस मामले में निर्वेर सिंह के परिवार ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। निर्वेर सिंह अपना करियर संवारने करीब 25 साल पहले माँ के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे। उनका माई टर्न एल्बम का गाना तेरे बिना काफी चर्चित हुआ था। उनके 2 बच्चे हैं। निर्वेर समाज सेवी व भाजपा नेता दर्शन सिंह शिवजोत के भांजे थे। उनके पिता पुलिस में इंस्पेक्टर थे और आतंकवाद के दौर में हुए हमले में वह शहीद हो गए थे। वह 3 भाई और 1 बहन थे। वह बड़े भाई से छोटे थे। उनके निधन की जानकारी मिलने के बाद उनके फैंस, परिजनों और दोस्तों को सदमा पहुंचा है। पंजाबी गायक गगन कोकरी ने निर्वेर सिंह की मौत पर दुखद जताकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लिखा, मैंने अभी अभी इस दुखद खबर के बारे में सुना है। हम दोनों ने साथ में टैक्सी चलाई थी, गाना भी साथ ही गाया था, फिर तुम बिजी हो गए। तुम्हारा सॉन्ग तेरे बिना आज तक का सबसे शानदार गाना था। आप बहुत अच्छे इंसान थे, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज साइट। धन्यवाद। Thank you.